अभी ना टाइम हो रहा है सुबह का 10 बजे बजने वाला है 10। तो अभी मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं लेटी थी, खाना वगैरह बना के बच्चों को स्कूल भेज के हस्बैंड को काम पे भेज के ऐसे ही मैं लेटी थी, बस काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं आंगन में ना कल से आंधी तूफान आया था, तो घर का मैं हालत आपको दिखा देती हूँ। ये मतलब ना चारों तरफ से फ्रेंड ना एकदम कचड़ा फैल गया है, धूल मिट्टी करके आंधी तूफान बुधवार को रात को आया, अभी वो 8 बजे 7-8 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आंधी तूफान का टाइम नहीं लगा और सुबह वैसे भी लाइट नहीं थी, तो दोपहर की लाइट कर ली थी फ्रेंड, पूरी रात लाइट नहीं आई, तो टंकी का पानी था फिर इसलिए मैंने धोना धोना बंद कर दी थी, क्योंकि बारिश तो हुआ तो लाइट आएगी कि नहीं आएगी। अभी भी बारिश बादल घेरे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है बीच बीच में, इसलिए मैं सफाई नहीं की थी सुबह, क्योंकि टंकी खाली ना हो जाए क्योंकि पानी का, फिर शाम तक अगर लाइट नहीं है तो फिर टंकी पानी नीचे हो जाता है, तो हम लोग अपना चंगल तो नहीं है मोटर है, तो पानी लाइट से ही चलता है, टंकी नहीं जरूर भर पाती है, इसलिए मैं सफाई नहीं की थी। तो अभी मैं सफाई कर रही बाहर के लिए मुझे जाना काम के सिलसिले में, तो फिर मैं अभी जाऊंगी, अभी काम कर लूँ घर का, फिर हस्बैंड जी बोल रहे काम थोड़ा चलता पहले, मैं सोच रही हूँ छोड़ के जाऊँगी, फिर आपको मुझे करना है, तो कहीं से आने के बाद ना हिम्मत नहीं होता करने का, इसलिए मैं सोच रही पहले काम कर लेती हूँ फिर चलती हूँ, तो फटाफट से काम कर लेते हैं फिर चलते हैं फ्रेंड, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो यही है करना ज़रूरी है। अभी मैं बाहर झाड़ू लगा चुकी हूँ और आंगन लगा, आंगन चारों तरफ से फैला पड़ा है, बच्चे देखे चप्पल के सेल लगा कर रखी हुई है, ये बच्चों का काम है सारे जगह पर मतलब ना ऐसे फैला के रख देते हैं, उनको क्या करेंगे, मना करो पर मानते नहीं है, क्या करेंगे। आधे कपड़े गीले हैं, आधे कपड़े सूखे हुए हैं, तो जो गीले हैं उनको मैं धूप में डाल देती हूँ, धूप आई हुई है तो जो सूखे हुए उनको मैं रख देती हूँ, और लाइट आई थी तो मैं टंकी भर ली हूँ, फिर लाइट कट गई थी, और अभी जब आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो उसकी मेरी टंकी तो कोई टेंशन नहीं है, अगर लाइट शाम तक भी नहीं आएगी तो सुबह तक मेरा पानी चल जाएगा, तो इसीलिए अभी मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मुझसे मिलती हूँ और फिर तैयारी करेंगे कहीं जाने की, क्योंकि काम हिम्मत नहीं हो रहा है इसलिए। तो चलिए गाइस कर लेते हैं, इधर मैं कमरे का आपको दिखा दूँ हालत, कमरे का भी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, कोई भी काम नहीं की हूँ मैं, देखिए ऐसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, और बाहर में दिखाऊं तो सोफे पे भी ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़ों को मैं ना तह भी नहीं लगाई हूँ अभी तक, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, रात को अचानक मैं छत पे कपड़े डाली थी बट मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि मैं कपड़े छत पे डाली हूँ, और आंधी तूफान आने लगा, फिर मैं गई आधे कपड़े लेके आई और आधे मतलब गीले रह गए, आधे सूख गए थे, तो गीले रह गए थे क्यों, क्योंकि बारिश की वजह से गीले रह गए थे। तो अभी बस मैं चलती फ्रेंड, कर लेती फटाफट काम, फिर आप सभी से मिलती हूँ, और मेरा मुँह कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, तो अभी मैं जाऊँगी थ्रेडिंग बनवाने भी, क्योंकि थ्रेडिंग काफ़ी दिन हो गए, महीना ही हो गया मुझे कराए हुए, तो मैं सोच रही हूँ करा लेती हूँ, लिपस्टिक में एकदम रेड रेड चमक रही ना, रेड नेल पॉलिश रेड लिपस्टिक रेड, तो ये यहाँ से ऐसा रेड हो गया देखिए। तो कोई बात नहीं, चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं।
अभी मैं जा रही हूँ। ये देखिए काला भूत में पीली भूत भी काले पीले बन गए हैं हम दोनों फ्रेंड। पाउडर लगा पैंट पे कितना सारा, तो आज हम लोग काले पीले बन गए हैं। चलते हैं, तो गाइस गाइस काला लग रहा है हमारा, और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। पैसा रखा मैंने, रुको रुको रुको, चलो पड़ी हाँ। बस हम लोग रास्ते में हैं, तो अभी अभी मैं अपना घर जो है पहुँचती हूँ, वहीं आ गई हूँ रोड पे। तो चल कर पता करके हुए हैं जो हमारा जरूरी काम है, उसको करके हम लोग आ जाते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम था, एकदम अच्छा मौसम लगता है। और ऐसे मौसम में घूमना भी अच्छा लगता है, बट यहाँ पे अभी हवा चल रही है ना, तो पेड़ पौधे देखने लगता है, तो बाहर देखते हैं। और मैं तो बड़े मुश्किल से बना पाई हूँ, तो हवाई का डर लगता है कि कोई हवा मिल रही है हवाई से। जैसे कि पेड़ से हम लोग पहुँचने वाले थे, बहुत
सबने वहाँ पे रुकी थी ना तब वीडियो बनाई है। थोड़ी दूर रह गया था 2 किलोमीटर तक दूर मेरा घर, तभी वीडियो बना लिया। वीडियो अभी तो फोन का दिखाई हुई अभी।